हेलो दोस्तों, इजी फूड किचन में आपका स्वागत है। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ करेले की सब्ज़ी एकदम अलग तरीके से, जो शायद आपने पहले कभी नहीं बनाई होगी। तो जो बच्चे करेले का नाम सुनकर दूर भागते हैं, वो भी इसे रोज़ मांग मांग कर खाएंगे। ये इतने टेस्टी बनते हैं। तो चलिए बिना देर करे बनाते हैं। मैंने कुछ करेले लिए हैं, तो जब भी करेले लें, पतले पतले लें, लंबे लें, मोटे मत लें, जिसमें मोटे मोटे बीज हों वो ना लें, मतलब एकदम कच्चिया लें। तो ये देख कर लेंगे तो आपके करेले की सब्ज़ी बहुत अच्छी बनेगी। तो इसको मैंने 5 मिनट के लिए पानी में भिगोने के लिए रख दिया था, तो सारी की सारी मिट्टी इससे निकल जाती है। ये देखिए कितनी मिट्टी है, तो इसको मैं फेंक रही हूँ। और करेलों को हम रनिंग वाटर में अब धो लेंगे। तो मैंने धो लिए हैं और जो इसकी पूंछ सी है इसको मैं काट दूँगी। तो सारी डंडियाँ मैंने तोड़ दी हैं। अब लेंगे पिलर और इसको ना हम हल्का हल्का सा घरूटेंगे। ये देखिए इस तरह से पील करेंगे। छिलके हमें बिल्कुल भी फेंकने नहीं हैं। छिलकों का क्या करेंगे वो मैं आपको आगे बताऊंगी। तो ये देखिए मैंने इसके छिलके उतार दिए हैं। तो सारे करेले हम इसी तरह से छील लेंगे। तो करेले अलग हो गए हैं, छिलके अलग हो गए हैं। अब इनमें जाएगा थोड़ा थोड़ा सा नमक, दोनों में ही नमक डालना है। नमक डालकर हम थोड़ा सा हाथों से रगड़ लेंगे और 10 से 15 मिनट इनको एज इट इज छोड़ देंगे, जिससे कि इनका जो कड़वा पानी है वो निकल जाएगा। 15 मिनट हो चुके हैं, तो अब हम इसको निचोड़ लेते हैं, जिससे कि सारा का सारा कड़वा पानी निकल जाए, आपको खाने में ये कड़वे ना लगे। और इसको भी मैं हाथों से इस तरह से प्रेस करके निचोड़ लूँगी। ये पानी बहुत न्यूट्रिशियस होता है, अगर आप पी सकते हैं तो इसको पी लीजिए। तो सारे करेलों से मैंने पानी निकाल लिया है। अब हम करेलों में चीरा लगाएंगे। तो मैंने एक चाकू लिया है और ये देखिए गहराई से एक चीरा लगाएंगे। बिल्कुल नीचे तक नहीं लगाना है कि आर पारी हो जाए, बस गहराई से लगाएं और उसको खोल लें। ये देखिए कितने बारीक बीज हैं, तो मतलब अगर मोटे बीज होंगे तो निकाल सकते हैं, लेकिन ये बिल्कुल कच्चिया करेले हैं, इसमें बहुत बारीक बारीक बीज हैं, तो कोई ज़रूरत नहीं है निकालने के। इसीलिए मैं कह रही थी बारीक बीजों वाला ही करेला लें, मोटे बीज हों तो उनको निकाल लें। और कई बार करेला हम चीरते हैं ना तो अंदर से लाल लाल बीज निकलते हैं, तो वो करेला भी अच्छा नहीं होता, तो वो भी ना लें। अब मैंने एक कढ़ाई ली है और इसमें मैंने डाला है 1 से 1.25 गिलास के करीब पानी। पानी को गर्म करेंगे, इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी हल्दी। गाइस हल्दी थोड़ी ज़्यादा पड़ गई है तो इससे कम ही रखें, ज़्यादा ना डालें, क्योंकि मसाले हम कई बार डालेंगे तो ज़्यादा नहीं होने चाहिए, तो इस स्टेज पर हल्दी कम ही रखें। अब हम इसमें करेले डालेंगे और 10 से 12 मिनट इन करेलों को उबालेंगे। इनको 90% सॉफ्ट कर लेंगे, अच्छे से पका लेंगे। 10 मिनट के बाद मैंने देखा है तो ये बहुत सॉफ्ट हो चुके हैं। इस स्टेज पर मैं गैस को बंद कर दूंगी और करेलों को पानी से निकाल लेंगे और ठंडा कर लेंगे। देखिए मसालों की वजह से करेले में पीलापन आ गया है ना। करेले ठंडे हो चुके हैं, तो फिलहाल इन्हें हम साइड में रखते हैं और इसके लिए मसाला तैयार करते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक कटोरी ली है, उसमें डाल रही हूँ 3 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, 1/2 चम्मच से कम हल्दी, कच्चा जीरा पाउडर तकरीबन 1/2 चम्मच। अब इसमें डाल रही हूँ 2 टेबलस्पून के करीब दही। ये खट्टा दही है पर बासी ना लें, खट्टा दही लेना है पर बासी नहीं लेना है, क्योंकि ना ही मैं अमचूर डाल रही हूँ ना ही अम्बी, तो जो इसमें खटास आएगी, चटपटापन आएगा, वो इस दही की वजह से ही आएगा। अगर आपके करेले ज़्यादा हैं तो आप दही की मात्रा बढ़ा लें। तो ये देखिए पेस्ट बिल्कुल तैयार है। और यहाँ पर मैंने 3 मीडियम साइज़ के प्याज लिए थे, उनको बारीक बारीक चॉप कर लिया था। तो एक पैन को गैस पर रखा है और इसमें डाल रही हूँ मैं 2 से 3
टेबलस्पून के करीब सरसों का तेल, थोड़ा ही डाला है मैंने क्योंकि इसमें स्टफिंग तैयार करनी है। आधा चम्मच जीरा और आधा चम्मच साबुत धनिया ये डाल देंगे और साथ ही डाल देंगे बारीक कटे प्याज। और तेल को अच्छे से गर्म करना है जब तक धुआं निकलना शुरू ना हो जाए। अब इसको हम लाइट ब्राउन होने तक भूनते रहेंगे। ये मैंने अदरक डाली है तो अदरक को मैंने क्रश करके डाला है जिससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। लहसुन मैं नहीं डाल रही हूँ, आप चाहें तो लहसुन डाल सकते हैं। नमक मैंने नहीं डाला था, मसाले में नहीं डाला था तो मैं अब डाल रही हूँ। और करेले में डाला था नमक, मिर्च, मसाला, इसमें थोड़ा तेज़ ही अच्छा लगेगा। उससे क्या होता है ना, करेले चटपटे बनते हैं और फ्लेवर अच्छा आता है। अगर आप मसाले कम रखेंगे तो फीका फीका सा करेला अच्छा नहीं लगेगा। बाकी आपके टेस्ट पर है। अब वो मसाला डाल लेंगे जो हमने बना कर रखा था। लाइट ब्राउन से हो जाए ना प्याज तो हम मसाला डालेंगे। अब हम प्याज को, मसाले को अच्छे से पका लेंगे और गैस की फ्लेम को लो रख लेंगे। और साथ ही मैं डाल दूंगी ये छिलके, ये मैं भूल ही गई थी तो अभी सडनली ध्यान आया, तो ये छिलके डाल देंगे, ज़रूर डालना है। आपको पता भी नहीं चलेगा इनका कड़वापन, इतना अच्छा टेस्ट आएगा। एक बार डाल के ज़रूर बनाइए इस तरह करेले की सब्ज़ी। तो अब लो मीडियम फ्लेम पर थोड़ा सा पका लें जिससे कि हमारा सारा मसाला, सारी स्टफिंग अच्छे से तैयार हो जाए, अच्छे से पक जाए। लास्ट में हम डालेंगे धनिया पत्ता, एक बार मिक्स कर लेंगे। ये जाएगा 2 चम्मच भुना हुआ बेसन। इससे टेक्सचर भी अच्छा आएगा, टेस्ट भी अच्छा आएगा और करेले की जो स्टफिंग है उसको एक बाइंडिंग मिलेगी। जब आप भरेंगे ना तो निकलेगी नहीं, तो बहुत अच्छा रहता है इसको डालना। तो यहाँ पर स्टफिंग ठंडी हो चुकी है, करेले ठंडे हो चुके हैं, तो चाहे चम्मच से भर लीजिए, चाहे हाथ से भर लीजिए, बस अच्छे से भर दीजिए। और स्टफिंग ज़्यादा है तो फेंकनी नहीं है बिल्कुल भी, ये कभी भी कहीं भी किसी भी सब्ज़ी में यूज़ हो जाएगी। चाहे फिर से आप 2 दिन के बाद करेले बना लीजिए, पर स्टफिंग को फेंकना नहीं है। अच्छे से दबा दबा कर प्रेस करें, स्टफिंग और मसाला अच्छे से भरा जाएगा तो टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा। ये देखिए मैं कितने अच्छे से मैंने प्रेस कर दिया है। तो सारी स्टफिंग मैंने करेलों में भर दी है। फिर से एक पैन लेंगे और इसमें मस्टर्ड ऑयल डालेंगे। अब करेलों को हम तेल में पकाएंगे। 90% जो हमारे करेले हैं वो गल चुके हैं, लेकिन इनको क्रिस्पी करने के लिए हम तेल में पकाने जा रहे हैं, जैसे हम शैलो फ्राई करते हैं उस तरह से। तो सारे करेले मैंने पैन में बिछा दिए हैं, मतलब सेट कर दिए हैं। गैस की फ्लेम को यहाँ लो मीडियम ही रखें, तेज़ मत रखें। और देखिए मैं इसको किस तरह से पलट रही हूँ, तो हर एंगल से आप सेक लें। जिस तरह से आप करेले घर में बनाते हैं ना, तो उस तरह से तेल में आप हर एंगल से इनको उलट पुलट कर सेक लें। अगर आप इनको पूरा पलट भी देंगे ना तो इससे मसाला निकलने वाला नहीं है, तो इसीलिए हमने बेसन इसमें डाला था ताकि इसको अच्छी बाइंडिंग मिल सके। ये देखिए तो गाइस 3 से 4 मिनट में करेले बिल्कुल तैयार हैं। ये देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं। आप इनको रोटी के साथ, पराठे के साथ, पूरी के साथ, जिस मर्ज़ी के साथ खाएं और इस तरीके से बनाकर देखें और मुझे बताएं कि आपको ये वाली करेले की सब्ज़ी कैसी लगी। बच्चे नहीं भी खाते हो ना, पर ये सब्ज़ी वो मांग मांग कर खाने वाले हैं, यकीन मानिए। तो मिलेंगे फिर हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।